खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गोविंदा सर, एक सवाल, अच्छा बहुत सारे लोग पंडाल दर पंडाल जाते हैं, पंडाल हॉपिंग करते हैं, ना आप सर के साथ जाते हैं कि पंडाल हॉपिंग करते हैं क्या आज भी? हम लोग के यहाँ घर परिवार में पूजा हो रही होती है तो फिर इधर उधर की शायद ही, और कहीं खास ऐसी जगह हो जहाँ पे किसी ने कहा हो कि आप आइए तो हम लोग प्लीज। ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली के घर पे हम लोग जाते हैं, बट नथिंग इन स्पेसिफिक। सर, कुछ नहीं उम्मीद? हाँ, वो पर इंटरव्यू का हिस्सा कैसे हो सकती है उसका, उस पर अभी चर्चा तो नहीं हो जी। कोई विशेष रूपरेखा थी गणपति की प्रतिमा चुनने के लिए इस बार? नॉट एट ऑल, वी ऑलवेज हमेशा पापा जाते, इट्स अ रिचुअल कि पापा गोज ही गेट्स द गणपति जी का मूर्ति, एंड ऐसा हम लोग कभी स्पेसिफिकली ऐसा लाना, इट शुड बी ब्यूटिफुल एंड इट शुड बी नाइस। एंड सुनीता जी से पूछा जाता है, मम्मी से पूछा जाता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, जो सही लगा करता है वही किया करते हैं। और खास तौर पे आज का ये जो तारीख है और इस तारीख पे ये जो नौवा महीना है, ये बहुत ही कृपा का समय है, और वही प्रार्थना की है। और वो शुरू में ही मैं कह दिया कि वो जो प्रार्थना की है तो उस पर बहुत ज़्यादा विशेष अभी चर्चा नहीं होगी। आप लोग कृपया आए हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ, बहुत साल मम्मी की तरफ से ये घर परिवार में ये जो शुरू हुआ था पूजा, और वहीं से है। और खास वजह ये थॉट ही यही था कि जो माँ बाप की सेवा करते हैं और किसी न किसी रूप से आप समाज के साथ जुड़े रहें, जो चाहे जो जाति के हो, चाहे जो समाज के जो हिस्से से हो, वो आपके साथ दुआओं के या पूजा के किसी न किसी माध्यम से साथ में जुड़े रहे, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयोजन है और शुभ है।